हूं छवि और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी का स्पीड न्यूज प्रोग्राम सुबह सवेरे, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश दुनिया की खबरें। मध्य प्रदेश के इंदौर में फिर हुआ कोरोना वॉरियर्स पर हमला। सर्वे कर रही महिला टीचर पर हमले की हुई कोशिश, मोबाइल तोड़ा, दो अन्य हुए जख्मी। डीआईजी बोले पड़ोसियों का आपसी विवाद था, आरोपी युवक को लगा कि महिला कर्मी विवाद को मोबाइल में कर रही है कैद। लॉकडाउन के व्यापक साइड इफेक्ट जताई जा रही है आशंका, देशव्यापी लॉकडाउन से भारत में 10 करोड़ लोग हो जाएंगे गरीब। अभी 81 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे, 10 साल पहले की स्थिति में पहुंच जाएगा देश। लॉकडाउन के बीच सामने आई इंसाफ की एक अलग तस्वीर, बिहार में एक नाबालिग ने भूख से तड़पती माँ के लिए चोरी की। जज ने गुनाह माफ कर राशन और कपड़े दिलवाए। किशोर न्यायालय के जज ने आरोपी के परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का दिया आदेश। लॉकडाउन में राजस्थान के कोटा में फंसे 4000 छात्रों को लेकर 152 बसें यूपी पहुंची। उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी छात्रों को वापस लाने के लिए कर रही है बातचीत। पटना में कुछ लोगों को लॉकडाउन तोड़ना पड़ा महंगा, पीपा पुल के नीचे से निकलते समय गंगा में डूबी नाव, एक महिला की मौत, 3 लापता, नाव में सवार थे 20 लोग। मध्य प्रदेश का उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय गुरुकुल रीवा, एफिलियेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन LKG टू क्लास 11। अब दिल्ली, कोटा, इंदौर जाने की जरूरत नहीं। स्कूल की पढ़ाई के साथ कोचिंग भी IIT, JEE, नीट, CPT, CLAT, NTSC, NDA। स्मार्ट क्लासेस, सुयोग्य और प्रशिक्षित शिक्षक, प्रतिदिन अतिरिक्त कक्षाएं, बच्चों का सर्वांगीण विकास, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग AC हॉस्टल। गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खैरा रोड, चोरहटा, रीवा। संपर्क करें 7024892222। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन की चर्चा के बीच बसपा विधायक रामबाई का वीडियो वायरल। विधायक ने कहा, शिवराज ने 1.5 महीने पहले किया था मुझे मंत्री बनाने का दावा। मध्य प्रदेश के सागर में गर्भवती को परिजन ले जा रहे थे अस्पताल, रास्ते में ऑटो हुई खराब। CCTV से कंट्रोल रूम में पुलिस ने दो लोगों को धक्का लगाते देखा तो महिला को कार से पहुंचाया हॉस्पिटल। मध्य प्रदेश के रायसेन में लॉकडाउन के बीच ग्रामीणों की मदद करने गए पटवारियों ने की दारू पार्टी। फोटो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। फोटो में बड़ी मात्रा में नजर आ रही है शराब की बोतल। सीमा में चेकिंग कर रहे पुलिस ग्वालियर अधीक्षक से मुरैना के दरोगा ने की अभद्रता। दरोगा ने SP से कहा, तुमने ग्वालियर खरीद दिया है क्या जो मुझे शहर में जाने से रोक रहे हो। मुरैना SP ने SI को किया सस्पेंड। मध्य प्रदेश के भिंड में कुआरी नदी में दो बेटों के साथ पिता डूबा, एक बेटे को सकुशल बचाया गया जबकि दूसरे की तलाश जारी। वहीं पिता बबलू भदौरिया का मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन और NDRF की रेस्क्यू टीम। नदी में मवेशियों को निकालने गए थे दोनों बेटे। बेटों को डूबता देख पिता ने बचाने का किया था प्रयास। मंदसौर जिले में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद शव यात्रा में शामिल नीमच के 29 लोगों की रिपोर्ट मिली नेगेटिव। नीमच में अब तक कोई पॉजिटिव केस नहीं, प्रशासन ने राहत की सांस ली। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार ने उठाया जांच बढ़ाने का कदम। छत्तीसगढ़ में सर्दी जुकाम या श्वास के मरीजों की जांच होगी। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर को भेजा पत्र। सोते समय बिस्तर पर पैर मारने को लेकर हुआ विवाद, दोस्त ने कुल्हाड़ी से वार कर बढ़े की आरी से रेत दिया गला। राजधानी रायपुर के माना क्षेत्र की एक घटना, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आगामी 20 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में खुलेंगे ढाबे, डिपार्टमेंटल स्टोर, चौराहों के भीतर आने जाने की रहेगी सशर्त छूट, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश। और पाकिस्तानी लड़कियों की तस्वीर लगाकर फेसबुक आईडी से सांप्रदायिक पोस्ट करने वाले युवक को रायपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। साल 2012 में बना रखी थी आईडी, खुद को बताता था WHO में काम करने वाली लड़की। गुड मॉर्निंग टीवी के स्पीड न्यूज प्रोग्राम सुबह सवेरे में आज इतना ही, लेकिन आपसे विनम्र अनुरोध है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद की, अपने परिवार की और पूरे समाज की रक्षा करने में अपना योगदान दें। घर पर ही रहें और शासन के निर्देशों का पालन करें। नमस्कार।